दिल्ली जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस मंगलवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। हादसा सुबह 5 बजे के आसपास नालागढ़ से 5 किलोमीटर दूर बागवानियों में हुआ। बस नालागढ़ बस अड्डे से सवारियां लेकर अभी कुछ ही दूरी तय कर पाई थी कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर दे मारी, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे नाले में जा गिरी। इससे पहले बस साथ लगते बिजली खंभे को तोड़ती हुई साथ ले गई। हादसे के वक्त बस में कुल 25 सवारियां बैठी हुई थीं, जिनमें एक दंपत्ति को चोट आई है, जिनके उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अन्य सभी सवारियां सकुशल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई अमल में लाई। मैं नालागढ़ से 5 बजे ड्यूटी के लिए जा रहा था और बागवानी के थोड़ा सा पीछे मैं अपनी स्लो स्पीड में चला हुआ था। पीछे ट्रक वाला आया स्पीड में और मेरे गाड़ी को टक्कर मार दी और गाड़ी पीछे चली। ये बस कहाँ से कहाँ को जा रही थी? जा रही थी। सवारी कितनी थी इसमें? सवारी तो 15-20 थी, एक सवारी को लगी हुई, बाकी कितने बजे की घटना? 5:15 बजे।